हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 24 मई के लिए स्टॉक्स कि 24 मई के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो 44 मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए ट्रेड कर पाएँ। दोस्तों उससे पहले हम देखते हैं निफ्टी के चार्ट को। अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो एक रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करें दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे दो कैंडल आपके लिए यहाँ पर इसी लाइन पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए यहाँ पर एक कैंडल है, दूसरी कैंडल है, उसके बाद इसने यहाँ पर कुछ पॉज लिया। नीचे आने के बाद इसने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया था, वापस सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, वहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया और वहीं पर आज इसने फिर से रेड कैंडल बनाई। यानी कि यहाँ पर इस लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है जो कि है 16,250 के बीच में। यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करता है अपर साइड में या डाउन साइड में, अगर अपर साइड में जाता है तो स्टॉक्स में हमारे लिए बाइंग का अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमारे लिए स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग के लिए अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो हम बाइंग के लिए भी स्टॉक्स को देखेंगे कि अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम स्टॉक्स में कौन कौन से स्टॉक्स में हम बाइंग के लिए ट्रेड ले पाएँ, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हम उनके लिए भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले पाएँ। तो चलिए हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टॉक्स है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो ये 44 राइजिंग मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं उसने 44 मूविंग एवरेज पर ही ग्रीन कैंडल बनाई है। इस कैंडल का हाई है 1355। कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस हाई की कैंडल को ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें इस रेजिस्टेंस एरिया तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, या इस कैंडल का 1:2 यहीं तक आएगा तो हम इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। पिछली वीडियो हमने इस कैंडल पर देखा था कि एक ग्रीन कैंडल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के हाई को इसने ब्रेक ही नहीं किया तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड नहीं मिला था। तो कल आप इस स्टॉक्स को अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हो, मार्केट ओपन होने के बाद आप इस पर नज़र बना के रख सकते हो। अगला स्टॉक्स है बोस लिमिटेड। अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो ये 44 फॉलोइंग मूविंग एवरेज पर रेड कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर कल निफ्टी का चार्ट डाउन साइड में जाता है तो इस स्टॉक्स में हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से 44 मूविंग एवरेज का सेफ है वो फॉलोइंग हुआ। पहला ट्रेड हमारे लिए यहाँ पर मिला और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आपके लिए दिखाई दी होगी। दूसरी बार हमारे लिए यहाँ पर मिला शॉर्ट सेलिंग का, तीसरी बार हमारे लिए यहाँ पर मिला और फिर से उसी 44 मूविंग एवरेज पर रेड कैंडल साथ ट्रेड कर रहा है। अगर कल इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है, आप जितनी बार भी देखोगे, मैं अगर इनको डिलीट कर दूँ, जितनी बार इसने यहाँ पर इसके लो को इस कैंडल पर ब्रेक नहीं किया, अगली बार ब्रेक किया आप देख सकोगे यहाँ पर रैली मिली है। यहाँ पर इसने इस रेड कैंडल के लो के नीचे ही ओपन हुआ और हमारे लिए उसी दिन अच्छा टारगेट मिला है। यहाँ पर भी इसने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन जब ब्रेक करेगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के ऊपर रहेगा, जितनी बार देखोगे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब जहाँ पर भी ओपन होता है वहाँ पर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हो। अगला स्टॉक्स है स्कॉट्स इंडिया। दोस्तों ये स्टॉक्स भी 44 फॉलोइंग मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है रेड कैंडल के साथ। आप यहाँ से देख सकते हो आज जो निफ्टी का चार्ट है वो ऊपर की साइड गया था मार्केट ओपन होने के बाद, तो आप देख सकते हो इसकी अपर साइड में बिग बहुत बड़ी है। उसके बाद थोड़ी से नीचे आने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल इसने बनाई है। ये डिपेंड करेगा निफ्टी के चार्ट पर। अगर निफ्टी के चार्ट डाउन साइड में जाता है तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, और अगर निफ्टी के साइड अपर साइड में जाता है तो फिर आपके लिए इस स्टॉक्स में ट्रेड नहीं मिलेगा, और अगर ट्रेड मिलता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक्स निफ्टी के साथ ही ट्रेड करता है। तो आप इसको भी अपनी बचत में ऐड कर सकते हो। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 44 फॉलो मूविंग एवरेज पर रेड कैंडल बनाई, लेकिन अगले दिन मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड ही नहीं मिला। अब यहाँ पर देखते हैं कल किस तरीके से स्टॉक्स ओपन होता है। अगला स्टॉक्स हैवेल्स इंडिया। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 44 मूविंग एवरेज पर ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछली वीडियो में शायद हमने यहाँ पर देखा था कि एक ग्रीन कैंडल इसने बनाई थी, इसके ऊपर वाली एंट्री नहीं मिली क्योंकि अगली कैंडल इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। आप देखते हैं इसने कल भी ग्रीन कैंडल बनाई थी, आप यहाँ पर देख सकते हो आज उस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, और आज भी इसने 44 मूविंग एवरेज पर ही ग्रीन कैंडल बनाई है। तो आप कल इस स्टॉक्स को भी अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हो। अगर आपके लिए इस स्टॉक्स में ट्रेड मिलता है तो आप इसमें भी रख सकते हो ट्रेड यहाँ तक के लिए, और या तो आपका स्टॉप लॉस होगा या आपका इसमें टारगेट मिल सकता है। अगला स्टॉक्स है बालकृष्ण इंडस्ट्री।
दोस्तों अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे, यहाँ पर गिरावट आने के बाद ये जो सपोर्ट एरिया था इसको ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है। बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर ये ब्रेक किया इसने, इसको ये ब्रेक सस्टेन नहीं कर पाया, इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। इसने ब्रेक तो किया, अगले दिन इस कैंडल की हाई को भी ब्रेक किया लेकिन डायरेक्ट फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो फिर यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और अगर इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर इसमें इंट्राडे में हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड मिल सकते हैं। इस रेड कैंडल का लो है 2073, अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, अगर इसको तोड़ता है तो इस कैंडल के लो को तोड़ेगा और इसके सपोर्ट को भी तोड़ेगा, तो फिर इसमें हमारे लिए एक बिग रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स थे जिनमें कल मार्केट ओपन होने के बाद आप 44 मूविंग एवरेज बाइंग के लिए स्टॉक्स थे और 44 मूविंग एवरेज सेलिंग के लिए स्टॉक्स थे, जिनमें कल मार्केट ओपन होने के बाद आप या तो बाय के लिए ट्रेड ले सकते हो या शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। तो इनकी आप अपनी वॉच लिस्ट बना के इनको रख सकते हो, जिस भी स्टॉक्स में अगर आपके लिए ट्रेड मिलता है तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।